देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के जिंदाना थाना क्षेत्र के चौसाना मार्ग स्थित हरसाना गांव के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस को मुखबिर से इनपुट मिला था कि कुछ बदमाश राहगीरों से लूटकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने विरोध में पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जहां पर दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान दो गोली बदमाश अनीश के पैर में जा लगी, जिसके चलते बदमाश अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर जा गिरा, जबकि बदमाश का दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटी गई 8,000 रुपए की नकदी, मोबाइल व अवैध असलाह बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश आए दिन राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाश का नाम अनीश है, जो 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश मुस्तफा उर्फ कग्गा का भाई है। बदमाश अनीश पर लूट के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भिन्न भिन्न थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर बदमाश अनीश को उपचार दिया जा रहा है और पुलिस बदमाश के फरार साथी जब्बार की तलाश में जुट गई है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र जिंजाना में एक बाइक सवार के साथ में कुछ कैश की और कुछ अन्य सामान की लूट करके भाग रहे थे। इन्हीं जब सूचना पर घेराबंदी की गई पुलिस के द्वारा, तो उसी में एक बदमाश अनीस नाम का, जो कि अभी पूछताछ में जो तथ्य ज्ञात हुए हैं वो ये है कि पहले 1,00,000 का इनामी बदमाश मुस्तफा कग्गा रहा, जो कि मूल रूप से बाड़ी माजरा गंगो क्षेत्र का रहने वाला था, ये उसी का भाई है। अपने ही एक साथी के साथ में यहाँ पर ये लूट कर रहे थे और लूट के बाद में जो था इनके द्वारा एक और अन्य घटना को अंजाम दिया जाना था और पुलिस के द्वारा अच्छे तरीके से घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जो मुठभेड़ में जिसके दो गोलियां लगी हैं, फिलहाल उपचाराधीन। इनाम की अभी जानकारी की जा रही है, जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि करीबन 6 के करीब मुकदमे इस पर दर्ज है, जिसमें कि हत्या, इरादन हत्या और लूट जैसे आपराधिक मामले इस पर दर्ज है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।